तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई और सभी टीमें ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी हैं और अब आने वाले एक महीने में हमें आईपीएल 2021 का ऑक्शन देखने को मिलेगा। और इस साल मिनी ऑक्शन होने के कारण इसके साथ ही ऑक्शन से पहले अब चार आईपीएल टीमों को बड़ा झटका लगा है। चार आईपीएल टीमों के लिए बुरी खबर निकल कर आई है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ऑक्शन से पहले और इस साल मिनी ऑक्शन होने के कारण कौन सी चार टीमों को झटका लगा है और कौन सी चार टीमों के लिए बुरी खबर निकल कर आई है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर अब दूसरा गिव अवे शुरू हो चुका है। इसमें जो आप स्क्रीन पर वॉचेस देख पा रहे होंगे वो आप इजीली जीत सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली दो स्टेप करने होंगे। सबसे पहले आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जबकि दूसरे स्टेप के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको सिंपली वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर 5000 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्हीं 5000 मेंबर्स में से किसी 8 लकी मेंबर्स को उनकी फेवरेट आईपीएल टीम की वॉच हमारी तरफ से गिफ्ट यानी गिव अवे करी जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो फ्रेंड्स, ऑक्शन से पहले जिन चार टीमों को बड़ा झटका लगा, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल इस साल मिनी ऑक्शन होने से सबसे अधिक नुकसान सीएसके की टीम को हुआ है। इसके साथ ही ऑक्शन से एक महीना पहले इस टीम को एक और बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि इस टीम का पर्स बैलेंस सबसे कम बचा है, जहां पर पंजाब के पास लगभग 17 करोड़ बचे, राजस्थान रॉयल्स के पास 15 करोड़ बचे हैं। इस टीम के पास केवल 15 लाख का पर्स बैलेंस बचा है और 15 लाख में ये टीम एक भी प्लेयर को ऑक्शन में परचेस नहीं कर सकती है। तो अब इस टीम को 10 से 12 प्लेयर्स को रिलीज करना होगा, तब ये टीम 25-30 करोड़ का पर्स बैलेंस कलेक्ट कर सकती है और तब ये टीम ऑक्शन में जाकर कुछ प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। लेकिन ये टीम मिचेल स्टार्क, डेविड मलान जैसे प्लेयर्स को शायद ना खरीद पाए। इन प्लेयर्स को खरीदने के लिए इस टीम को अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा। तो यहां पर इस साल मिनी ऑक्शन होने से सीएसके की टीम को वैसे ही बड़ा झटका लगा था और अब इस टीम का पर्स बैलेंस इस टीम के लिए एक और बड़ी चिंता बन चुका है। इस टीम को 12 प्लेयर्स अब रिलीज करने होंगे, तब ये टीम अच्छा खासा पर्स बैलेंस लेकर ऑक्शन में जा सकती है और इस टीम को मिचेल स्टार्क को लेकर, डेविड मलान को लेकर अब राजस्थान रॉयल्स और यहां पर दूसरी पंजाब जैसी टीमों से कॉम्पिटिशन करना होगा। तो सीएसके की टीम की यहाँ पर ऑक्शन से पहले बड़ी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सीएसके की टीम को आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज करके अपनी पर्स बैलेंस की चिंता को दूर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरी टीम की। तो दूसरे नंबर पर नाम आता है मुंबई इंडियंस की टीम का। दरअसल एमआई की टीम के लिए भी यहाँ पर ऑक्शन से पहले चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इस टीम के पास भी केवल 1.90 यानी लगभग 2 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है और 2 करोड़ में ये टीम ऑक्शन में केवल एकाधे प्लेयर्स को परचेस कर सकती है। तो अब इस टीम को अपने स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में से ना चाहते हुए भी अब कम से कम अपने 7 प्लेयर्स को रिलीज करने होंगे और 7 प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद ये टीम ऑक्शन के लिए 12-15 करोड़ का पर्स बैलेंस कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि 10 करोड़ से कम पैसे लेकर कोई भी टीम नीलामी में नहीं जा सकती है। नीलामी का भाग होने के लिए सभी टीमों को एटलीस्ट 10 करोड़ से ऊपर पैसे लेकर जाने होते हैं। तो एमआई की टीम को अभी 8-9 करोड़ और कलेक्ट करने होंगे, उसके लिए इस टीम को एटलीस्ट 6-7 प्लेयर्स को रिलीज करना होगा। तो एमआई की टीम की भी चिंताएं बढ़ चुकी है, अब इस टीम को अपने स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में से, अपनी स्ट्रॉन्ग टीम में से 7 प्लेयर्स को बाहर करना होगा। तो ऑक्शन से पहले एमआई की टीम को भी एक बड़ा झटका लगा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम को अपनी स्ट्रॉन्ग टीम में से आखिर कौन कौन से 7 प्लेयर्स को रिलीज यानी टीम से बाहर करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है आरसीबी की टीम का। दरअसल आरसीबी की टीम की पिछले साल भी इनकी गेंदबाजी इनकी समस्या रही थी और इनकी बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर इस टीम की समस्या रही थी। हालांकि मिडिल ऑर्डर के लिए ये टीम डेविड मलान को परचेस करने के लिए देख रही है और गेंदबाजी के लिए ये टीम मिचेल स्टार्क को टारगेट कर सकती है, लेकिन इस टीम का पर्स बैलेंस इस टीम के लिए बड़ी चिंता बन चुका है, क्योंकि इस टीम के पास 6.40 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है और डेविड मलान और मिचेल स्टार्क दोनों ही प्लेयर्स के 6 करोड़ से ऊपर बोली जाना पूरी तरीके से तय हो चुकी है। तो इस टीम के लिए भी इन 2 प्लेयर्स को खरीद पाना या फिर इन 2 में से किसी एक प्लेयर को खरीद पाना काफी मुश्किल होगा। तो आरसीबी की टीम को भी 10-12 प्लेयर्स को रिलीज करना होगा, तभी ये टीम इन 2 में से या फिर इन दोनों प्लेयर्स को परचेस कर सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर मिनी ऑक्शन होने के कारण और मिनी ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम की भी चिंता बढ़ चुकी है। इस टीम को भी अब बड़े डिसीजन और बड़े बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम को भी आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज करके टीम से बाहर करना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर दोबारा से नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल सीएसके की टीम को इस साल के मिनी ऑक्शन में सबसे अधिक समस्याएं होगी, क्योंकि
इस टीम का पर्स बैलेंस इस टीम के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। इसके बावजूद अब इस टीम के लिए एक और समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये टीम ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन, टिम शाइपर्ड को टारगेट कर रही थी और भी काफी सारे प्लेयर्स को ये टीम टारगेट कर रही थी। उन प्लेयर्स को ये टीम मेगा ऑक्शन में परचेस करना चाहती थी, जहां पर ये टीम ईशान किशन को भी टारगेट कर रही थी, ट्रेंट बोल्ट को भी टारगेट कर रही थी। लेकिन अब इनमें से कोई भी प्लेयर इस टीम को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन होने के कारण ना तो एमआई की टीम ट्रेंट बोल्ट ईशान किशन को रिलीज करेगी, ना ही केकेआर की टीम टिम शाइफर्ड को रिलीज करेगी और ना ही हैदराबाद की टीम से केन विलियमसन बाहर होंगे। तो यहां पर सीएसके की टीम की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है और इस साल का मिनी ऑक्शन इस टीम के लिए काफी बड़ी समस्या बन चुका है। तो ओवरऑल अब नीलामी से पहले इन टीमों को बड़े झटके लगे हैं और इन टीमों की मिनी ऑक्शन से पहले बड़ी समस्याएं क्रिएट हो चुकी है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मिनी ऑक्शन से आखिर कौन सी टीम को सबसे अधिक फायदा होगा, कौन सी टीम को सबसे अधिक नुकसान होगा। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।